साथियों, आज पूरी दुनिया में नागरिकों के अधिकार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुकी है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी की संभावनाओं से आप सब परिचित हैं। हमारे ऑनरेबल जजेस समय समय पर इस विषय में विमर्श को आगे भी बढ़ाते रहे हैं। भारत सरकार भी जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। उदाहरण के तौर पर ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को आज मिशन मोड में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ई कमिटी के मार्गदर्शन में जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और डिजिटाइजेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं यहां उपस्थित सभी मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के सभी चीफ जस्टिस से भी आग्रह करूंगा कि इस अभियान को विशेष महत्व दें, इसे आगे बढ़ाएं। डिजिटल इंडिया के साथ जुडिशरी का ये इंटीग्रेशन आज देश के सामान्य मानवीय की अपेक्षा भी बन गई है। आप देखिए, आज कुछ साल पहले डिजिटल ट्रांजेक्शन को हमारे देश के लिए असंभव माना जाता, लोगों को लगता था, लोग शक करते थे, अरे ये हमारे देश में कैसे हो सकता है, और ये भी सोचा जाता है इसका स्कोप केवल शहरों तक ही सीमित रह सकता है, उससे आगे बढ़ नहीं सकता है। लेकिन आज छोटे कस्बों और यहां तक गांवों में भी डिजिटल ट्रांजेक्शन आम बात होने लगी है। ये पूरे विश्व में पिछले साल जितने डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए उसमें से 40% डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत में हुए हैं। सरकार से जुड़ी वो सेवाएं जिनके लिए पहले नागरिकों को महीनों ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, वो अब मोबाइल पर अवेलेबल हो रही है। ऐसे में स्वाभाविक है, जिस नागरिक को सेवाएं और सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं, वो न्याय के अधिकार को लेकर भी वैसे ही अपेक्षाएं करेगा। साथियों, आज जब हम टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं तो इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टेक फ्रेंडली ह्यूमन रिसोर्सेज भी है। टेक्नोलॉजी आज युवाओं के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। यह हमें सुनिश्चित करना है कि युवाओं की एक्सपर्टाइज, उनकी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ कैसे बने। आजकल कई देशों में लॉ यूनिवर्सिटीज में ब्लॉकचेन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायो एथिक्स जैसे विषय पढ़ाए जा रहे हैं। हमारे देश में भी लीगल एजुकेशन इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे।